हिमकेन टिवर चैनल में आपका स्वागत है। तो अगर आप अपने मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं तो सबसे सिंपल तरीका, सही तरीका ये है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और इस एप्लीकेशन को लेकर आप बैंक ब्रांच में जाएं और वहां पर उसको सबमिट कर देना है। तो चलिए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को इंग्लिश में कैसे लिखा जाए। एप्लीकेशन के टॉप लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है टू द ब्रांच मैनेजर, उसके बाद बैंक का नाम, ब्रांच का नाम। तो यहाँ पर नॉर्मली इस तरह का जो एप्लीकेशन होता है, मोबाइल नंबर लिंक करने का एप्लीकेशन, ये आपको उसी ब्रांच में देना होगा जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर डेट लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट में एप्लीकेशन टू लिंक मोबाइल नंबर, फिर आगे रेस्पेक्टेड सर, आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ योर ब्रांच, आई वॉन्ट टू एक्टिवेट SMS अलर्ट फैसिलिटी फॉर माई अकाउंट नंबर डैश। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है SMS अलर्ट्स फैसिलिटी। तो इस तरह के फैसिलिटी को जब आप अपने मोबाइल नंबर को लिंक करते हैं बैंक अकाउंट के साथ, तो आपको बैंक अकाउंट से जुड़े लेन देन के SMS, OTP, ये सारे SMS आते हैं। तो इस तरह के फैसिलिटी को SMS अलर्ट फैसिलिटी कहा जाता है। फिर आगे यहाँ पर हमें लिखना है प्लीज लिंक द मोबाइल नंबर डैश विथ दिस अकाउंट, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, आई कन्फर्म दैट आई एम द ऑफिशियल ओनर ऑफ दिस मोबाइल नंबर। नंबर लिखेंगे आई ऑथोराइज यू टू डेबिट माई अकाउंट विद एप्लीकेबल सर्विस चार्जेस फॉर SMS अलर्ट फैसिलिटी। देखिए इसके चार्जेस लगते हैं। आप अगर SMS अलर्ट फैसिलिटी लेते हैं, अपने मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करते हैं, तो इसका थ्री मंथ्स में एक बार आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। नॉर्मली ये ₹15 कटते हैं, ₹15 प्लस GST आपके खाते से अकाउंट से काटे जाएंगे 3 महीने में एक बार। इसलिए आपको लास्ट में यहाँ पर लिखना होगा ऑथराइज यू टू डेबिट माई अकाउंट, ये आपको लिखना होगा। फिर नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पर लिखना है योर्स फेथफुली, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर वही करें जो आपका अकाउंट में है। फिर आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, नाम, पता, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख देना है। तो इस तरह से आप एक एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। और अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो जरूरी पॉइंट्स हैं बस उनको आपको मेंशन करना होगा। और अगर आप इसका एक PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नॉर्मली जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो 24 आवर के अंदर आपका काम हो जाएगा और आपको अपने मोबाइल पर एक SMS भी मिल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। तो अगर आपका फिर भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।